वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर आपको बताते बड़ी खबर इलाहाबाद से, जहां बीजेपी के उड्डयन मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता नंदी पर मकान कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसआरएन मोड़ मेडिकल रोड पर कीटगंज निवासी मोनी व सोनी नाम की लड़की चक्का जाम किया था। साथ बताया कि मंत्री के गुर्गों ने मारपीट की, जिससे सर और कई जगह चोट आई है। वहीं उनके समर्थन में छात्र नेता नेहा यादव और कई छात्र आ गए। वहीं जब कई आला अधिकारी संघ इंस्पेक्टर चार्ज टाउन पहुंचे, वहीं इसी बीच पुलिस समझाने की कोशिश पर लगी रही, पर जब नहीं माने तो जाम खुलवाया, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस युवती और छात्र नेताओं पर लाठी भांजना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ये भयानक रूप सामने आया। बाद में लेडीज कांस्टेबल बुलाई। किसी तरह प्रदर्शन कर रहे युवती व सपा छात्र नेता नेहा यादव ने कहा कि पुलिस का असली चेहरा और पीएम मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पुलिस सबको जीप में डाल महिला थाने ले गई। नेहा यादव अमित शाह और पीएम मोदी को काला झंडा भी दिखा चुकी है। क्या मामला आप लोग आज यहाँ पर तोड़ के मारे और मेरे मकान के पेपर को आई होगी, आप लोग अलग हट के बात कर सकते हैं। ये आने जाने वाले नाम बता रहे कौन है, नहीं बता रहे कुछ तो है। Let's go.
हट जाओ
हम हिंदू हॉस्टल ड्यूटी पे थे, गवर्नर महोदय का प्रोग्राम है आज प्रयागराज में, और वहीं से उनकी फ्लिट को मैं गुजार कर वहीं अभी खड़ा ही था कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सारण मोड़ पे जो है कुछ लोग चक्का जाम किए हुए थे। ये नहीं पता था कि क्यों हुआ है चक्का जाम, किसने किया है। यहाँ जब हम आए अपनी सिपाहियों के साथ, हमराही के साथ, हमारे साथ तीन कांस्टेबल और थे, यहाँ देखा कि भयंकर जाम लगा हुआ था। बीच में जो है नेहा यादव थी, उनको तो मैं पहचान रहा हूँ, और दो तीन लेडीजों को मैं नहीं नाम से पहचान रहा हूँ, चेहरे से पहचान जाऊँगा, जो मौके से पकड़ी भी गई हैं, और कुछ पुरुष भी थे। तो वो लोग जाम लगाए थे, हम लोग कहे कि क्या बात है, आपकी बात सुनी जाएगी और कार्रवाई होगी, लेकिन वो लोग नहीं हट रहे थे। उसके बाद कहा गया कि अलग हट करके आप लोग बात करिए। काफ़ी पब्लिक के भी लोग आ गए जो जाम में फंसे थे, वो भी कहे कि नहीं एक तरफ हो जाए। तो उन लोगों के सहयोग से ही हम लोग कहे कि नहीं आप लोग इधर हो जाइए। एक व्यक्ति को जो है हटाया गया, तो वो उसी में आया, कहा कि पत्थर मारो पुलिस वालों पर, हाथापाई करने लगा। तो हम कहे कि वो पुरुष है, पुरुष को हम पकड़ लिए कि भाई वो घटना को जो है दूसरा रूप देना चाह रहा था। अब उसको पकड़े तब ये जो लेडीज थी ये लोग हम पे हमलावर हो गए, मेरा जो है सब ये नोच ओच लिए। उसके बाद हमारी लेडीज कांस्टेबल और फोर्स आ गया, तो उन लोगों को पकड़ा गया है। तो वो ये कौन लोग हैं, किसी पार्टी से कि? नहीं, पार्टी यहाँ को तो जान रहे हैं, ये यहाँ यूनिवर्सिटी की छात्र है, छात्रा है, तो पार्टी को हम नहीं जानते। इस तरह से पुलिस पर लोग हमलावर हो रहे हैं? हाँ, गलत ट्रेंड है ये। पुलिस तो उनकी जान माल की सुरक्षा है, तो आम जन माल की सुरक्षा है, तो आती है। हम लोग आए थे, जाम लगा था, कोई उसमें मरीज फंसा था, कोई राहगीर था, कि वहाँ से हट जाए अलग बात किया जाए, लेकिन ये लोग पूरा जाम कर लिए थे। 15-20-25 मिनट तक जाम लगा रहा, हम लोग समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे थे। ये गलत ट्रेंड है, नहीं होना चाहिए। हाँ, देख ही रहे हैं आपके सामने में, ये पूरा मेरा फ्लैग वगैरह जो है उन्होंने नोच लिया है। मैं उस व्यक्ति को पकड़ा हूँ, पुरुष को, ये मुझको जान रही थी कि इनको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर हमलावर हो गए। हाड़ वर्दी सब वर्दी नाम बताइए। नेहा यादव आप? हमारा नाम निशिकांत, मैं इस पर भेजा करता हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब।